नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य 16 जुलाई 2021 को कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य को आत्मा, जीवन शक्ति, आत्मसम्मान, पिता, सरकारी कार्य आदि का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए सूर्य का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से सभी राशियों के लिए बहुत अहम हो जाता है। सूर्यदेव के कर्क राशि में प्रवेश से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी राशियां हैं जिनको सूर्य के इस गोचर से लाभ मिलने की संभावना है। वृषभ राशि। शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि के जातकों के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। यह साहस और पराक्रम का भाव है और सूर्य व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को सूर्य के इस गोचर से लाभ हो सकता है। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और करियर क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके साथ ही जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, उनको भी दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। बस आपको छोटे भाई बहनों से बातचीत करते समय इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। ध्यान रखें कि छोटे भाई बहनों के लिए आपके मुंह से कोई ऐसी बात न निकले जिससे रिश्ते में खटास आ जाए। कन्या राशि। सूर्यदेव का गोचर आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में होने से आपके जीवन में इस दौरान सकारात्मकता देखने को मिल सकती है। यदि सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं और पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं तो आपकी मुराद पूरी होने की संभावना है। वहीं इस राशि के जो लोग रोजगार की तलाश में थे, उनकी मुराद भी पूरी हो सकती है। इस राशि के कारोबारियों के लिए भी सूर्य का यह गोचर फलदायी साबित होगा। अटके हुए काम फिर से गति पकड़ सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी इस राशि वाले लोगों को सफलता मिल सकती है। तुला राशि। इस राशि के जातकों के लिए भी सूर्य शुभ समाचार लेकर आ सकते हैं। सूर्य का गोचर आपके करियर के भाव यानी दशम भाव में होगा, इसलिए करियर क्षेत्र में आ रही कई परेशानियां इस दौरान दूर हो सकती हैं। जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी है और उनका रिजल्ट 16 जुलाई के बाद आने वाला है तो सफल होने के बहुत अच्छे चांस हैं। पारिवारिक जीवन में भी इस राशि के लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर यदि परेशान थे तो उनके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही पिता के साथ इस राशि के जातकों के संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। वृश्चिक राशि। सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं और वर्तमान में यह आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर से धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचियां बढ़ सकती हैं। आप सामाजिक कार्यों में इस दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। भाग्य का सहयोग इस राशि वाले लोगों के जीवन की कई परेशानियों को इस दौरान दूर कर सकता है। परिवार में भी समरसता बनी रहेगी। वहीं जो लोग स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे थे, उनकी सेहत में भी सुधार आ सकता है। कुछ लोग सूर्य के इस गोचर के दौरान योग ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।